गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. हाउ आर यू? आई होप ऑल विल बी वेल. यस स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 5. इट्स नेम क्लोथ वी वियर. ओके, चैप्टर 5 क्लोथ्स वी वियर. सो स्टूडेंट, टुडे आई विल टेल यू अबाउट Why do you wear cloth? Okay, beta. Why do you wear cloth? So suppose student, we wear cloth because cloth protect us from heat, cold, rain, dust, wind and insect bite. Beta, हम cloth क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो cloth होते हैं वो हमारी protect करते हैं. किसमें? Heat में, cold, rain, wind एंड इंसेक्ट बाइट. इंसेक्ट बाइट करते हैं जब आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को कवर कर लेते हो. कवर किससे? क्लोथ से. तो क्लोथ ने आपकी क्या करी उस टाइम? प्रोटेक्शन की ना क्लोथ ने. तो स्टूडेंट, माई क्वेश्चन इज वाई डू यू वियर क्लोथ? तो यू कैन गिव आंसर मैम, बिकॉज क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड इंसेक्ट बाइट. गॉट इट? एंड नेक्स्ट बेटा, क्लोथ ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट. बेटा जो क्लोथ हैं वो हमारे को स्मार्ट दिखने में, स्मार्ट लगते हैं ना. अच्छे क्लोथ पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं ना. और हमें बेटा डिसेंट, यानी जो हम क्लोथ पहने, जिस तरह के अपन क्लोथ पहनते हैं. सपोज करो किसी ने पहने एकदम लाइक दिस टाइप स्मॉल स्मॉल क्लोथ लाइक दिस टाइप, क्या वो डिसेंट दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा. अगर आप जो अच्छी तरह से क्लोथ पहनते हैं तो अपन कहते हैं अरे यार ये तो जो है ना ये बहुत अच्छा पर्सन है. कैसे पता चला अपन को? उसके क्लोथ को, पहनावे को देख कर अपन को पता चला कि ये कितना अच्छा है. यस या नो? तो बेटा क्लोथ आल्सो मेक अस लुक स्मार्ट. क्लोथ हमारे को स्मार्ट भी बनाते हैं, है ना. उनको पहन करके हम कैसे लगते हैं? स्मार्ट बोलते हो ना. या लाइक दिस, इफ यू आर गोइंग एनी मैरिज, दैट टाइम यू सेड टू योर मदर, ममा आई विल वियर न्यू क्लोथ, I will wear new cloth. You have to say this type. Yes, you know. Next student, I am telling to you, human beings are only living beings that wear cloth. बेटा एक human beings यानी जो एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो only क्या है? एक cloth पहनता है. Living beings जितने उसमें कि वो केवल cloth पहनता है. आपको भी पता है, आपको पता है एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है, ये काफ़ी सब हैं, लेकिन क्या है ये? क्या क्लोथ पहनते हैं? नहीं पहनते ना. उसमें केवल एक ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा है जो केवल क्लोथ पहनता है. ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा, वी विल रीड डिफरेंट क्लोथ फ्रॉम डिफरेंट सीजन. हम जो हैं, जो डिफरेंट क्लोथ हैं वो हम फॉर डिफरेंट सीजन, डिफरेंट सीजन के लिए हम पहनते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड कॉटन क्लोथ. बेटा कॉटन क्लोथ आर वेरी लाइट, वो बहुत लाइट होते हैं. नेक्स्ट, दे ऑब्जर्व स्वेट, वो हमारी बॉडी का जितना भी स्वेट होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. लाइक दिस मीन्स, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? सोखना. वो अपनी बॉडी का जितना भी स्वेट होता है वो क्या कर लेते हैं? उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. विस टाइप ऑफ क्लोथ? कॉटन क्लोथ. ओके, एंड नेक्स्ट, कीप अ कूल. और वो फिर बाद में हमारे को कैसा लगते हैं? कूल. उसने क्या किया, कॉटन क्लोथ ने क्या किया, हमारी बॉडी का जितना भी स्वेट था उसको ऑब्जर्व कर लिया. और ऑब्जर्व करने के बाद हमारे को कैसा कर देते हैं? वो कूल, हमें ठंडा भी रखते हैं. नेक्स्ट वन इज वी वियर देम ड्यूरिंग समर. हम जो है कॉटन क्लोथ जो है कब पहनते हैं? समर सीजन में. ठीक है, समर सीजन में हम कैसे क्लोथ पहनते हैं? कॉटन क्लोथ. ओके, नेक्स्ट वन इज दे आर मेड फ्रॉम कॉटन. और वो किससे बनते हैं? कॉटन. दे आर मेड फ्रॉम कॉटन. ओके, वे कॉटन से बनते हैं. एंड वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. ओके, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया बेटा, वाई डू यू वियर कॉटन क्लोथ? टेल मी फर्स्ट, माई क्वेश्चन है वाई डू यू वियर कॉटन क्लोथ? तो यू कैन गिव आंसर मैम, बिकॉज कॉटन क्लोथ ऑब्जर्व स्वेट एंड कीप अस कूल. ओके, यू कैन गिव आंसर मैम, बिकॉज
दे आर लाइट, वो लाइट होते हैं, और दे ऑब्जर्व स्वेट, वे हमारे स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंड कीप अस कूल, वो हमारे को कूल भी रखते हैं, ठंडा भी रखते हैं. ओके, एंड आई एम आस्किंग सेकेंड क्वेश्चन बेटा, लाइक दिस है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन, जो हमारा कॉटन है वो कहाँ से आता है, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है. तो यू कैन, यस यू कैन गिव आंसर, यस टेल मी फास्ट, यस वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. ओके, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन, वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. ओके, योर आंसर got it beta about your cotton cloth. Okay, next we will start woolen cloth. Yes beta, woolen cloth keep us warm. Woolen cloth hume kya give karte hain, warm give karte hain, yani garmi dete hain, and protect us from cold. Aur wo hamari jab cold hota hai, like this hamari aise shivering ho jane lag jati hai na, to wo hamari usme kya karte hain, protect karte hain. And next beta, listen, we wear them during winter. हम उसको विंटर सीजन में पहनते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट, लाइक दिस टाइप, दे आर मेड फ्रॉम वूल, वो किससे बनते हैं, वो वूल से बनते हैं. ओके, एंड वी गेट वूल फ्रॉम शिप, और हमें वूल कहाँ से मिलती है, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, हमें वूल कहाँ से मिलती है, शिप से मिलती है. ओके, अब माई क्वेश्चन अगेन, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन बेका, वाई डू यू वीयर वूलन क्लोथ, सो स्पीक अप, यू कैन कीप, you can give answer, ma'am, woolen cloth keep us warm and protect us from cold. Okay, you can give your answer. Ab my second question is beta, from where do we get wool, so you can give answer, ma'am, we get wool from sheep. You can give answer, ma'am, we get wool from sheep, hame sheep se wool milti hai. Clear second types of cloth. Okay, ab I am talking about silk cloth beta, silk cloth like this type. Silk cloth are shiny, like this type, you can see my sari, okay, it is shiny, yes, silk cloth are shiny, wo shiny hote hain and smooth hote hain to touch, agar unko hum touch karte hain, jo beta silk ke cloth hote hain wo shiny hote hain, matlab wo chamakne wale hote hain, aur agar hum unko touch karte hain to wo kaise hote hain, smooth hote hain. And next, we wear them, hum unko pehante hain on special occasion, जब हमारे स्पेशल ओकेजन होते हैं, लाइक दिस टाइप, कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे मैरिज, पार्टी, फेस्टिवल हो ना, दैट टाइम वी वियर दैट टाइप ऑफ क्लोथ. ओके, स्पेशल ओकेजन वी वियर दैट टाइप ऑफ क्लोथ. एंड नेक्स्ट, सिल्क क्लोथ आर मेड फ्रॉम सिल्क, वो किससे बनते हैं, सिल्क से बनते हैं. एंड नेक्स्ट, वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, और वो हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, हमारे को सिल्क वॉर्म से. तो लिसन बेटा, माई क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क, यस यू कैन गिव आंसर, मैम, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वूम. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वी वियर रेनकोट एंड गम बूट व्हेन इट रेन्स, बेटा वी ड्यूरिंग रेनी सीजन. ओके, रेनी सीजन में बेटा वी वियर रेनकोट, है ना, वी कैरी अम्ब्रेला, यस, एंड लाइक दिस टाइप, एंड we wear gum boot also, okay, during winter during rainy season. And next, and when it rain, jab barish hoti hai, hai na, during winter season it rain start, that time we will wear raincoat, gum boot, hai na, like this type. We also carry on umbrella, hai na, during rainy season we take umbrella also, we carry umbrella also. एंड नेक्स्ट, दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल, बेटा जो ये मैंने अभी आपको बताया, लाइक दिस टाइप, गम बूट, रेनकोट एंड अम्ब्रेला, दीज आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल बेटा, एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, और वो हमारे को वेट, यानी जो हम गीला हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं ड्यूरिंग रेन सीजन में, उससे हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट यानी रोकते हैं, वो हमारे को उससे क्या है, गीला होने से हमारे को बचाते हैं, कौन, लाइक दिस टाइप, रेनकोट हो गया एंड अम्ब्रेला, गॉट इट. ओके बेटा, तो ये बेटा आपका चैप्टर 5 स्टार्टिंग का है, मैंने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी आस्क किए थे. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई डू यू वियर क्लोथ, तो दैट टाइम यू कैन से, मैम, बिकॉज क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट. फिर माई सेकेंड क्वेश्चन था बेटा, लाइक दिस है, व्हाई डू यू वियर कॉटन क्लोथ, तो दैट टाइम यू कैन से, मैडम, बिकॉज कॉटन क्लोथ ऑब्जर्व स्वेट एंड कीप अस कूल. एंड माई सेकेंड
माई थर्ड क्वेश्चन था बेटा लाइक दिस है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन? यू कैन गिव आंसर मैम, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. ओके, मैन आई एम आस्किंग टू बेटा लाइक दिस है, वाई डू यू वियर वूलन क्लोथ? तो दैट टाइम यू कैन से मैम, वूलन क्लोथ कीप अस वॉर्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. ओके, अब माई क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइक फ्रॉम वेयर डू वी गेट वूल? यस, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वूल? तो नाउ योर आंसर इज, वी गेट वूल फ्रॉम शिप. ओके, एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? तो यू कैन से वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म. ओके, नाउ बेटा स्टूडेंट लिसन, यू हैव टू कीप ऑल क्लॉथ वी वियर एंड डिफरेंट क्लॉथ फॉर डिफरेंट सीजन. ओके ओके, इन विच टाइप ऑफ सीजन वी वियर कॉटन क्लॉथ? हु विल गिव मी आंसर? Yes, in which type of season we will wear cotton cloth? Summer. Okay, theek hai? Yes, and in which type of season we will wear woolen cloth? Tell me. Yes, winter. Okay, and now we will talk about HW. Today is your HW. Yes, beta. Yes. Chapter 5. Close. Wear. Okay, HW, today is your HW, close we wear. Now, draw any picture from this chapter. Okay, this is your HW. Today is your HW, beta. Draw any picture from this chapter. आपको chapter 5 से कोई भी one picture यहाँ पे draw करनी है. Okay, got it? Thank you student and have a nice student.